टाटा अपनी एक माइक्रो एसयूवी को लॉन्च करने वाली है, लेकिन हुंडई भी अपनी एक माइक्रो एसयूवी को लॉन्च करने वाली है जिसका नाम कैस्पर होने वाला है। अगर इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया जाए, जो टाटा पंच का प्लेटफॉर्म होने वाला है वो अल्फा आर प्लेटफॉर्म होने वाला है। और टाटा पंच को बनाते वक्त टाटा की इंस्पिरेशन थी राइनो, जो कि 2022 के ऑटो एक्सपो में इसको दिखाया भी गया था, और एक राइनो की फ़ोटो आप इसकी स्टीयरिंग व्हील पे भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। जो टाटा की आल्ट्रोज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि टाटा की आल्ट्रोज को ग्लोबल NCAP में 5 में से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, और यही प्लेटफॉर्म टाटा की पंच में यूज़ किया जाएगा। और अब बात कर ले हुंडई की माइक्रो SUV के बारे में, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म होने वाला है वो होने वाला है K1 प्लेटफॉर्म, जो हुंडई की सेंट्रो में यूज़ किया जाता है। और अगर हुंडई की सेंट्रो की सेफ्टी की बात कर ली जाए, तो हुंडई की सेंट्रो को ग्लोबल NCAP में 5 में से 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो कहीं ना कहीं टाटा पंच हुंडई की कैस्पर से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और अगर आप अब बात कर लें इन दोनों के डायमेंशंस के बारे में, तो टाटा की पंच हुंडई कैस्पर से डायमेंशंस में भी सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि टाटा पंच की जो लेंथ है वो 245 mm ज़्यादा है कैस्पर से, और इसकी विड्थ की बात की जाए तो 227 mm विड्थ ज़्यादा है कैस्पर से, और टाटा पंच की जो हाइट है वो 30 mm की ज़्यादा होने वाली है। और बात कर लें इन दोनों के व्हील बेस की, तो टाटा पंच का जो व्हील बेस है वो 50 mm ज़्यादा है हुंडई कैस्पर से। टाटा की पंच हुंडई कैस्पर से डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा आगे है। तो कहीं ना कहीं हुंडई की जो कैस्पर होने वाली है बहुत ज़्यादा छोटी ऐसी भी होने वाली है, जो कि एक मारुति की एस्प्रेसो से शायद इसको तुलना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि और अगर अब बात कर लें इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन के बारे में, तो जो हुंडई की कैस्पर होने वाली है इसके अंदर आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 73 BHP की पावर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको मिलने वाला है दूसरा 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको अराउंड 90 BHP की पावर देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें वहीं दूसरी तरफ टाटा पंच में, तो आपको टाटा पंच के अंदर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको अराउंड 85 BHP की पावर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको अराउंड 100 BHP की पावर भी देखने को मिल सकती है। और इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ऑफर किए जाएंगे। और माइक्रो SUV के सेगमेंट में 4 माइक्रो SUV होने वाली हैं, जिनमें से पहली है टाटा पंच, और दूसरी है मारुति इग्निस, और तीसरी है महिंद्रा की KUV1W, और चौथी है हुंडई की कैस्पर। इन चारों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट लुकिंग होने वाली है, और इन चारों गाड़ियों में से किस माइक्रो SUV की लुक सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी SUV आपको पसंद आ रही है। और अगर आप बात कर लें इन दोनों गाड़ियों की प्राइस की, तो टाटा पंच का जो प्राइस है वो एक्स शोरूम 5 लाख से शुरू होकर 7.50 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। और अगर आप बात कर लें हुंडई कैस्पर के बारे में, तो हुंडई की कैस्पर की जो प्राइस होने वाली है वो कहीं ना कहीं टाटा पंच से कम होगी, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस है वो टाटा पंच से काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसका जो प्राइस होने वाला है एक्स शोरूम 4 लाख से स्टार्ट होकर 6.50 लाख रुपीज़ तक हो सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।